गोरिल्ला इज अबाउट एक्सपोजिंग द फिल्म इंडस्ट्री. किस तरह फिल्मों में क्या होता है, कैसे होता है, एक नया बंदा जब फिल्म में आता है तो उसके साथ क्या होता है, एक नई लड़की फिल्म में आती है उसके साथ क्या होता है. इट्स ऑल अबाउट गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री और उसमें क्या गलतियां हैं उसको इस पिक्चर में दिखाया गया. सर, ये फिल्म में हमने बहुत ही चैलेंजिंग तरीके से कहा है कि जो भी कोई बंदा एक्टर हो, डायरेक्टर हो या राइटर हो, अगर किसी भी लड़की या लड़की का शोषण करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस पिक्चर में मैं हीरो हूं. तो मेरा वो रोल है कि मैं कोशिश की है कि जितने भी लड़के लड़कियां मेरी फिल्म में थे उनको मैं संभाल के किस तरह आगे निकलता हूं. दैट इज द फिल्म. ये फिल्म में एक्शन भी है, ग्लैमर भी है, ये फिल्म में काफ़ी रोमांस भी है. ये फिल्म में जो किरदार है मेरा, विशाल नाम का किरदार, उस किरदार को मैंने एक एक्टर, फिल्म के अंदर एक्टर है तो मैं एक्टर बन के जब एक यूनिट के अंदर घुसता हूँ और किस तरह लोगों को बचाता हूँ जिसके साथ शोषण हो रहा है, दैट इज द फिल्म बॉलीवुड विला. सर क्या बोलूँ मैं, मेरे 15 साल निकल गए इस लाइन में. मैं क्लैप देता था एज असिस्टेंट डायरेक्टर. मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और मेरे साथ जो लोग हुआ है वो चाहता हूँ काफ़ी लोगों के साथ ना हो. लेकिन एक फिल्म के अंदर एंट्री करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक गॉडफादर चाहिए. ना तो मैं बड़े कोई एक्टर का बेटा हूँ, ना तो मैं कोई डायरेक्टर का बेटा हूँ जिनको बहुत ही आसानी से काम मिल जाता है. तो हमें तो अगर आगे निकलना है तो अपने दम पे निकलना होगा. और आई एम श्योर आप मेरी आगे की फिल्में देखेंगे, ये फिल्म देखेंगे और मैं डेफिनेटली ऊपर वाले की मेहरबानी से आगे निकलूँगा. सर एक्सपोज इंडस्ट्री को जब हम करते हैं तो मेरे लिए अच्छी भी बात है, थोड़ी बुरी भी बात है. बिकॉज हम इंडस्ट्री में असलियत क्या होती है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं. मुझे किसी ने बताया कि आपकी फिल्म जिसने मेरा ट्रायल देखा और एक्सपोज एक बहुत ही थोड़ी सिमिलैरिटी है उसमें 25% की, लेकिन हमारी पिक्चर का कंटेंट हमने एक्चुअल सारी चीज़ें दिखाई है जो इंडस्ट्री में होती है फ्रॉम द स्टेज ऑफ ऑडिशन से लेके रिलीज तक में जो भी होता है वो सारी चीज़ें हमें दिखाई. सर जब दुर्गेश पॉल मेरे जो प्रोड्यूसर है मेरे पास आए थे स्क्रिप्ट लेके और उन्होंने मुझे बताया कि यू आर प्लेइंग अ हीरो इन द फिल्म. नॉर्मल तो लोग हीरो होते हैं और हीरो के मतलब फिल्म के अंदर अगर हीरो प्ले करना होता है तो और एक अलग खुशी मिलती है. और किरदार इतना पावरफुल है मेरा तो बस आप जैसे पिक्चर देखेंगे आपको सब पता चल जाएगा. इट्स अ वंडरफुल कैरेक्टर. सबसे पहले तो मैं बता दूं, इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म, इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर. जैसे हिचकॉक की फिल्म्स आती है, सस्पेंस फिल्म है. कैसे, कौन होता है, क्यों, एक पूरी यूनिट, फिल्म इंडस्ट्री की यूनिट, एक फिल्म यूनिट शूटिंग के लिए किसी स्टूडियो पर जाती है और उस स्टूडियो में क्या होता है वो पिक्चर बताती है. फिल्म में पूरा कंटेंट यही है कि किस तरह एक बंदा दूसरे लोगों को बचाते हुए आगे निकलता है. और जब पता चलता है कि ओ माई गॉड इतना नॉर्मल सा चीज़ है और किस, इट्स अ फुल सस्पेंस थ्रिलर. मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप सस्पेंस भूल जाएगा. तो इट्स अ फुल ऑफ सस्पेंस एंड यू विल एंजॉय इट. फिल्म के 2 मिनट तक लास्ट में आपको पता नहीं चलेगा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है. फिल्म में जो मेरी 2 हीरोइन है, एक है जो सेकंड लीड फिल्म के अंदर सेकंड हीरोइन है और एक है जो मेन लीड फिल्म में कर रही है, शी इज एक्चुअल एन हीरोइन. तो उनके साथ जो होता है उनको मैं किस तरह बचाता हूँ, दैट्स अ फिल्म. सबसे पहले तो एक ये नॉर्मल सी सस्पेंस थ्रिलर और 3D में है. सबसे अगर देखने का अगर आप करते हैं कि क्यों आप थिएटर में जाएंगे तो सबसे पहले ये है कि इट्स अ नॉर्मल फिल्म विथ 3D, इट्स अ सस्पेंस फिल्म विथ 3D. आज लोग हमेशा जो फिल्म बनाते हैं वो स्पेशल इफेक्ट डाल के 3D को बनाते हैं. इट्स अ नॉर्मल फिल्म विथ 3D तो वो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा. एक इंसान जब सामने आपका खड़ा होता है वो आपको एकदम नज़दीक दिखेगा, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा माहौल आपके इर्द गिर्द हो रहा है. तो दैट इज द फिल्म. और इसलिए थोड़ी अलग, मेरे जो म्यूजिक डायरेक्टर है मिस्टर वैष्णव देवा, उन्होंने बहुत ही अच्छे 2 सॉन्ग हैं फिल्म में, 2 गाने हैं, बहुत ही अच्छे गाने दिए हैं. एक तो रोमांटिक सॉन्ग है और एक है आइटम सॉन्ग, जिसमें हमने 2 फॉरेनर लड़की को इंट्रोड्यूस किया है इस पिक्चर में. मेरे प्रोड्यूसर साहब वॉज वेरी मच, एक पहले हमने ऑलरेडी ये गाने को शूट किया था, फिर हमने रीशूट किया टेकिंग डोज टू फॉरेनर गर्ल्स, और उसके बाद फिल्म बहुत अलग दिखती है, एक रौनक चेंज हो जाती है. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ मिलियन. मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्में जाके देखें और प्लीज़ आई एम श्योर यू लाइक माई फिल्म. थैंक यू वेरी मच.